मैं हूं मोहम्मद रफीक। आज हम पढ़ने वाले हैं मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, जिसमें आपको पढ़ाया जाएगा कि एटॉमिक ऑर्बिटल के मिलने से क्या बनता है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। हाँ, जब भी जो है दो या उससे ज्यादा आपके एटॉमिक ऑर्बिटल आपस में कंबाइन होकर के ओवरलैप होकर के बनाते हैं कोवेलेंट बॉन्ड, तो उसी दौरान जो है इन एटॉमिक ऑर्बिटल के मिलने से मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बनते हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा इस थ्योरी को किसने दिया था, हुंड और मुलिकेन ने। तो ध्यान रखिएगा आज हम लोग पढ़ने वाले हैं मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। इस थ्योरी को किसने दिया था, हुंड एंड मुलिकेन ने। दिस थ्योरी वाज प्रपोज्ड बाय हुंड एंड मुलिकेन। ठीक है, अब हम बात करने वाले हैं पास्टुलेट्स ऑफ एमओटी। एमओटी मींस मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। ठीक है, तो इस थ्योरी में हमें क्या बताया गया है, ध्यान दीजिएगा। फर्स्ट पॉइंट पर क्या लिखा गया है, अकॉर्डिंग टू एमओटी, एमओटी मींस मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, तो एमओटी हमें क्या बताती है, नंबर ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स इज इक्वल टू द नंबर ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। ध्यान रखिएगा कि जब भी एटॉमिक ऑर्बिटल से मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनते हैं, तो जितने भी एटॉमिक ऑर्बिटल मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल के फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट करेंगे, उतना ही क्या बनने वाला है, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। अगर आपने एटॉमिक ऑर्बिटल कितना लिया है, 2 लिया है, तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल भी क्या होगा, 2 ही बनेगा। ओके, अब हम सेकेंड पॉइंट के बारे में बात करेंगे। ड्यूरिंग द ओवरलैपिंग ऑफ ऑर्बिटल्स इन कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन, इफ 2 मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स आर फॉर्म, then one is known as bonding molecular orbital and another is known as anti-bonding molecular orbital. So bonding molecular orbital को हम BMO से indicate करते हैं और anti-bonding वाले को हम ABMO से indicate करते हैं। ध्यान रखिएगा, अभी तक हम लोगों ने क्या पढ़ा कि जब भी atomic orbital आपस में combine होते हैं तो उनसे क्या बनता है, molecular orbital, और उसके बाद नंबर ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल हमेशा इक्वल होता है किसके, नंबर ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल के, और उसके बाद जितने भी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनते हैं हम उन्हें 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं, आधे को क्या बोलते हैं, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, और आधे क्या बोलते हैं, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। ध्यान रखिएगा कि BMO दैट मीन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, इसकी एनर्जी हमेशा कम होती है किससे, ए बी एम ओ से। ए बी एम ओ मींस होता है एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। हाँ, यानी कि जो है जितने भी एटॉमिक ऑर्बिटल मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल के बनने में पार्टिसिपेट होते हैं, नंबर ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल भी उतने ही बनते हैं, और उसके बाद आधे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल को बोलते हैं बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, और आधे को क्या बोलते हैं, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। और हमेशा हमेशा क्या होता है, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की एनर्जी एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल से क्या होती है, कम होती है। अब थर्ड पॉइंट के बारे में बात करेंगे। बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल इज रिप्रेजेंटेड बाय सिग्मा एंड पाई। ध्यान रखिएगा, जो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स होते हैं हम उन्हें सिग्मा और पाई से रिप्रेजेंट करते हैं, जबकि वेयर एज एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल इज रिप्रेजेंटेड बाय सिग्मा स्टार एंड पाई स्टार। ठीक है, थर्ड पॉइंट में क्या बताया गया आपको, इसमें यह बताया गया कि आपके आधे तो क्या होते हैं, बॉन्डिंग ऑर्बिटल, और आधे क्या होते हैं, एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल। ध्यान रखिएगा कि जो BMO होता है, यानी कि बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स होते हैं, हम उन्हें सिग्मा और पाई के फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, और जबकि क्या करते हैं, जो ABMO होता है दैट मीन एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, उसे हम क्या करते हैं, सिग्मा स्टार और पाई स्टार से दिखाते हैं। ठीक है, यानी कि BMO के लिए हम यूज करते हैं नॉर्मल सिग्मा नॉर्मल पाई, और ABMO के लिए सिग्मा स्टार एंड पाई स्टार का यूज करते हैं। ओके, अब आगे बढ़ते हैं। इलेक्ट्रॉन इन एन एटॉमिक ऑर्बिटल इज इन्फ्लुएंस्ड बाय वन न्यूक्लियस, इन्फ्लुएंस्ड बाय वन न्यूक्लियस। हाँ, एक एटम में एक ही न्यूक्लियस होता है, इसलिए एटम के जितने भी ऑर्बिटल्स होंगे
सभी एक ही न्यूक्लियस के थ्रू इन्फ्लुएंस होंगे, ठीक है, यानी कि एक ही न्यूक्लियस के कॉन्टेक्ट में होंगे। अगर हम बात करें वेयर एज इलेक्ट्रॉन इन एन मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल इज इन्फ्लुएंस्ड बाई टू और मोर न्यूक्लियस डिपेंडिंग अपॉन द नंबर ऑफ एटम्स इन अ मॉलिक्यूल, यानी कि जो है एक एटम में जितने भी ऑर्बिटल होंगे वे इन्फ्लुएंस्ड होंगे केवल और केवल एक न्यूक्लियस के थ्रू, जबकि मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में एक से ज्यादा न्यूक्लियस के थ्रू मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल क्या होते हैं, इन्फ्लुएंस होते हैं। वो डिपेंड करता है कि मॉलिक्यूल में कितने नंबर ऑफ एटम्स हैं, ठीक है। ये बात तो क्लियर है कि एटॉमिक ऑर्बिटल में केवल एक ही न्यूक्लियस होता है और मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में एक से ज्यादा न्यूक्लियस होते हैं, और वो डिपेंड करता है नंबर ऑफ एटम्स इन अ मॉलिक्यूल, ठीक है। यानी कि जो है एटॉमिक ऑर्बिटल केवल एक ही न्यूक्लियस के थ्रू इन्फ्लुएंस होते हैं और मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल एक से ज्यादा न्यूक्लियस के थ्रू इन्फ्लुएंस होते हैं, और ये बात डिपेंड करती है कि उस मॉलिक्यूल में कितने नंबर ऑफ एटम्स हैं। इसलिए हम कह सकते हैं दैट्स व्हाई एटॉमिक ऑर्बिटल्स इज मोनोसेंट्रिक एंड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स नोन एज पॉलीसेंट्रिक। इसलिए हम कह सकते हैं कि जो हमारा एटॉमिक ऑर्बिटल है वो मोनोसेंट्रिक है और मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल क्या होते हैं, पॉलीसेंट्रिक। ध्यान रखिएगा, अब मैं आपको आगे बताने वाला हूं कि जो है जिस तरीके से आप एटॉमिक ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन को फिल करते टाइम आप बाउर रूल, हुंस रूल, पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल को फॉलो करते हैं, यानी कि उनके रूल को फॉलो करते हुए ही इलेक्ट्रॉन को फिल करते हैं, तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में भी इलेक्ट्रॉन को फिल करते टाइम आप बाउर रूल को फॉलो करेंगे, पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल और हुंस रूल को भी फॉलो करेंगे, ठीक है। कहने का मतलब मेरा ये है कि जिस तरीके से आप जब एटॉमिक ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन को फिल करते हैं तो वहां पे आप पाउली रूल को फॉलो करते हैं, हुंस रूल को फॉलो करते हैं और पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल को भी ओबे करते हैं, ठीक है। उसी तरीके से जब मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन फिल करेंगे तो आप बाउ पाउली और हुंस रूल को फॉलो करेंगे, ओके। चलिए एक एग्जाम्पल करके देखते हैं। अब हम एक एग्जाम्पल लेके ये समझने वाले हैं कि मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी क्या है, ठीक है। सबसे पहले क्या करने वाले हैं कि हम एक बार फिर से रिवाइज करते हैं कि मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी में हमें क्या बताया गया। ध्यान रखिएगा, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी को किसने दिया था, हुंड और मुलिकेन ने। इसमें हमको क्या बताया गया कि एटॉमिक ऑर्बिटल के मिलने से ही क्या बनता है, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। ध्यान रखिएगा कि जितने एटॉमिक ऑर्बिटल आपस में कंबाइन होंगे उतना ही क्या बनेगा, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। ध्यान रखिएगा, जितने भी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनते हैं हम उन्हें दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, आधे को बोलते हैं बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल और आधे को क्या बोलते हैं, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। हमेशा बीएमओ यानी कि बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की एनर्जी ए बीएमओ से क्या होती है, कम होती है, ठीक है। बीएमओ के ऑर्बिटल को हम जो है रिप्रेजेंट करते हैं सिग्मा और पाई के थ्रू, और ए बीएमओ के ऑर्बिटल्स को हम रिप्रेजेंट करते हैं सिग्मा स्टार और पाई स्टार के थ्रू, ठीक है। अब उसके बाद जो है अब हम एक एग्जांपल लेंगे और उसके बाद उसमें हुन पाउली और उसके बाद आप बाउ रूल को फॉलो करते हुए इलेक्ट्रॉन को फिल करेंगे, ओके। अब हम एग्जांपल लेने वाले हैं हाइड्रोजन मॉलिक्यूल H2, ठीक है। अब इसमें क्या होता है कि पहला एटम हमारा कौन है, हाइड्रोजन, इसका कॉन्फिगरेशन करेंगे, एटॉमिक नंबर 1 होता है 1s1, ऑर्बिटल कितना बनेगा इसमें 1, ठीक है। अब उसके बाद दूसरे हाइड्रोजन के बारे में, इसमें इलेक्ट्रॉन कितना फिल करेंगे 1। अगर दूसरे हाइड्रोजन के बारे में बात करेंगे एटॉमिक नंबर 1 होगा, इसका भी 1s1 होगा, ऑर्बिटल कितना होने वाला है 1, इलेक्ट्रॉन कितना फिल करेंगे 1, ठीक है। अब क्या है कि दोनों ही हाइड्रोजन एटम में सिंगल सिंगल ऑर्बिटल है, और आपको इस थ्योरी में क्या बताया गया है कि जितने एटॉमिक ऑर्बिटल मिलेंगे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल भी उतना ही बनेगा, ठीक है। अब ये हम लोगों ने पहला लिया एटॉमिक ऑर्बिटल और ये हो गया हमारा दूसरा एटॉमिक ऑर्बिटल, दोनों में सिंगल सिंगल इलेक्ट्रॉन क्या हुआ, फिल कर दिया, ठीक है। अब इन दोनों ही ऑर्बिटल के मिलने से क्या बनेगा, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। ध्यान रखिएगा कि जब मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल को आप बनाएंगे तो जितना भी नंबर ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होगा उसे दो पार्ट में डिवाइड करेंगे, ठीक है। आधे को आप क्या बोलने वाले हैं, बी एम ओ, और आधे को क्या बोलने वाले हैं, ए बी एम ओ। यहां पे दो ही था तो एक हमारा क्या हो गया, बी एम ओ, और एक क्या हो गया, ए बी एम ओ। और उसके बाद आपको यह भी बताया गया है
कि बीएमओ को हम नॉर्मल सिग्मा नॉर्मल पाई से दिखाते हैं और ए बीएमओ को सिग्मा स्टार और सिग्मा पाई से दिखाते हैं। ओके, तो ध्यान रखिएगा यहां पर एक ही ऑर्बिटल आपका बीएमओ में है और एक ही ऑर्बिटल ए बीएमओ में है, ठीक है। इसलिए जो है पहला जो ऑर्बिटल होता है उसे सिग्मा से इंडिकेट करते हैं, अगर दूसरा भी ऑर्बिटल यहां होता तो आप उसे क्या करते हैं, उसे पाई से इंडिकेट करते हैं। ओके, यानी कि ये क्या हो गया आपका सिग्मा और ये क्या हो गया सिग्मा स्टार। तो सबसे पहले क्या करेंगे आप यहां पर जो है फॉलो करेंगे आप बाउ हुंस और पाउली का रूल। इलेक्ट्रॉन फिल करते दौरान जो है सबसे पहले आप एनर्जी जो है लोअर एनर्जी वाले ऑर्बिटल में फिल करेंगे, देन हाइयर एनर्जी लेवल वाले ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन फिल करेंगे, ठीक है। आपको पहले ही बताया जा चुका है कि बीएमओ की एनर्जी ए बीएमओ से क्या होती है, कम होती है, इसलिए आप सबसे पहले इलेक्ट्रॉन कहां फिल करेंगे, बीएमओ में। जब बीएमओ के सभी ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन फिल हो जाएंगे देन इलेक्ट्रॉन कहां फिल करेंगे आप, ए बीएमओ में। ओके, तो हमारे पास इलेक्ट्रॉन कितने हैं, वन और वन, कितने टू हैं, तो हमने क्या किया कि बीएमओ में दोनों ही इलेक्ट्रॉन फिल कर दिया, ठीक है। अब हमारे पास कोई भी एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन नहीं बचा जिसे हम क्या करें, ए बीएमओ में फिल करें, ठीक है। तो आप देख पा रहे हैं कि ये आपका एक एटॉमिक ऑर्बिटल था हाइड्रोजन का, ये भी हाइड्रोजन का एटॉमिक ऑर्बिटल था, यानी कि एटॉमिक ऑर्बिटल वन और ये वन, कितने हो गए टू, टू एटॉमिक ऑर्बिटल थे, इन दोनों के मिलने से दो बन गया मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, ठीक है। इस तरीके से आज हम लोगों ने क्या पढ़ा, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी।